हलचल इंडिया मेरी ने बनीता के साथ आई दिखते हैं की कुछ खास और बड़ी खबरें। महारसिद्धि ने छोड़ा 32 साल बाद चोला दर्शन कर धन्य हुए श्रद्धालु, निकाली गई मां के चोले श्रृंगार विसर्जन यात्रा। वैसे तो धार्मिक नगरी उज्जैन में दिन प्रतिदिन नए नए चमत्कार देखने को मिलते ही हैं। कहीं पानी में से ज्वाला उठती है तो कहीं शंकर के नंदी दूध पीते दिखाई देते हैं। वैसे ही हरसिद्धि शक्ति पीठ पर मां ने चैत्र नवरात्रि के 32 साल बाद अपना चोला छोड़ा है। पुजारियों ने इसे नवरात्रि में दुर्लभ संयोग बताया है। सुबह से ही माता के भक्त दरबार में दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। शाम को होने वाली आरती में हजारों की संख्या में श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। शक्ति पीठों में शामिल माँ हरसिद्धि का दरबार सुबह से लेकर देर रात तक जगमग दिखाई दे रहा है। 2 वर्षों तक माता के दरबार में दीप मालिका प्रज्वलित नहीं कर सकने वाले श्रद्धालु ने इस बार 1 माह पहले ही बुकिंग करा ली थी। 100 से अधिक श्रद्धालु 9 दिनों तक दीप मालिका प्रज्वलित करवा रहे हैं। शाम के समय हरसिद्धि के दरबार इस तरह से भरा नजर आ रहा है कि श्रद्धालुओं को कदम रखने तक की जगह नहीं मिल पा रही है। आज माता जी ने चोला छोड़ा है, किस तरह का आप इसको देखते हैं और इसके बाद किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? ऐसा है, माता जी ने जो है अभी विगत 32 वर्ष के बाद में अपना चोला जो है वो मूल स्वरूप से छोड़ा है। इसके पूर्व लगभग जो हमारे यहाँ पर पीढ़ियों में मतलब ये सामने सुनने में नहीं आया था कि माता जी ने कभी चोला छोड़ा, ये 32 वर्ष पहले छोड़ा था और उसके बाद में आज ये ऐसा जो है दुर्लभ संयोग हुआ है जब नवरात्रि के अंदर भगवती ने अपना चोला जो है मूल स्वरूप से छोड़ा है और वास्तविक दर्शन हमारे जो है भगवती के हुए हैं। क्या मानते हैं आप इसे, कुछ संकेत है, किस तरीके का संकेत है? शुभ संकेत ही है, भगवती के दर्शन होना, मूल स्वरूप में दर्शन होना, ये अपने आप में एक शुभ संकेत है और निश्चित ही भगवती का सभी भक्तों के ऊपर आशीर्वाद रहेगा। अब दशमी के बाद में माता जी के वास्तविक मूल स्वरूप में वापिस से दर्शन होंगे। आज जो है भगवती का आज रात्रि में जब चोला छोड़ा है भगवती ने, इसके बाद में अभिषेक पूजन हुआ है, माँ का श्रृंगार किया गया है और अभी 3 बजे के पश्चात यहाँ से भगवती के परिसर से माँ का विसर्जन समारोह चल समारोह आयोजन यहाँ से प्रारंभ होगा जो कि शहर के प्रमुख मार्ग से होता हुआ शिप्रा नदी पर रामघाट पर विसर्जन होगा। क्योंकि हरसिद्धि मंदिर एक शक्ति पीठ है और इस तरीके की अब माता ने चोला छोड़ा तो इसको धार्मिक स्तर पर किस तरीके से देखेंगे? नहीं, शक्ति पीठ है, यहाँ पर महत्व ज़्यादा है माता जी का, सती की कोहनी यहाँ पर विराजित है और राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी है भगवती। और नवरात्रि में आज तक हमारे जहाँ तक देखने सुनने में तो नहीं आया कि कहीं पर भी भगवती ने चोला छोड़ा हो और अपने आप में एक बहुत धार्मिक महत्व है भगवती का कि जो आज नवरात्रि और तृतीया तिथि पर भगवती ने अपना जो चोला छोड़ा है। आपका नाम? राजेश्वरी गोस्वामी, हरसिद्धि मंदिर।